हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम एसटेट टीजीटी म्यूजिक वोकल का पेपर जो है सोल्व करने जा रहे हैं, तो इसके आंसर की जो है बोर्ड ने जारी कर दी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहदेशी में कितने मेल यानी कि थर्ड का उल्लेख मिलता है? 0, 19, 23 या फिर 72? तो 19 मेलों का जो है वर्णन मिलता है। सितार में बाज का जो तार है वो किस क्रम पर होता है? पहले, तीसरे, पांचवे या फिर सातवें? तो इसका राइट आंसर है पहले। किस ताल के एक संपूर्ण आवर्तन में एक ताल के एक आवर्तन की चौगुण, दादरा के एक आवर्तन की तिगुण तथा झप ताल के एक आवर्तन की दुगुण जो है किए जा सकती है? रूपक ताल, झप ताल, तीन ताल या फिर चौताल? तो इसका राइट आंसर है झप ताल। राग खमाज एक संधि प्रकाश राग है? नहीं। परमेल प्रवेशक राग है? नहीं। आशय राग है? बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो राग अपने ही थाट से उत्पन्न होते हैं आशय राग कहलाते हैं। नाट्य शास्त्र में किस विषय का उल्लेख नहीं मिलता है? राग, सारणा, कुतुब या फिर श्रुति? तो रागों का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र में नहीं किया गया है, जातियों का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र में किया गया है। निम्नलिखित में से तबले के डग्गे यानी कि बाया द्वारा उत्पन्न बोल कौन सा है? ता, तुन, ना या फिर ग? तो इसका राइट आंसर है ग। नेक्स्ट देखते हैं। आपको भरत के अनुसार दिए गए षड्जग्राम के स्वरों का सही सूत्रांतर बताना था। सारे गामा पाधा नी सा जो आपको दिया हुआ था, इसका जो आपका सही क्रम बनेगा, सेकंड ऑप्शन है 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4। तो ये आपका राइट है सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से षड्जग्राम मोचना कौन सी है? हरिणाशवा, उत्तरायता, शुद्ध मध्या या फिर मार्गी? तो इसका राइट आंसर है उत्तरायता। नेक्स्ट है, संबंध बताना है। श्रुति का संबंध स्वर से है तो थाट का संबंध किससे होगा? रागों से होगा। दिए गए विकल्पों में से संयुक्त हस्त मुद्रा का चयन करना है। पताका, अर्धपताका, शुक्तुण, शिखर, अंजलि, कर्कट, मृगशीर्ष, म्यूर? तो इसका थर्ड आंसर राइट है अंजलि, कर्कट। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो आपका फर्स्ट स्वर समूह दिया हुआ है सारे सा गामा धा, तो ये स्वर समूह जो है हमीर राग का है। धामा रेसा, सारे धासा, यह आपका है दुर्गा राग का। गारे गापा धानी सा, यह आपका है अलैया बिलावल का। और नीरे गा पारे गारे सा, यह आपका है यमन राग का। तो इसका राइट जो ऑप्शन आपका बनेगा वो है आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। तबले की पूड़ी में बद्दी के लिए कितने छिद्र होते हैं? 8, 10, 12 या फिर 16? तो इसका राइट आंसर है 16। भातखंडे स्वरलिपि पत्ती के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? कर्ण के ऊपर ऐसे ही स्वर लगाया जाता है, मीन का यही चिन्ह है, जमजमा का भी यही है, सम के लिए हम किसका चिन्ह लगाते हैं? क्रॉस का। तो आपका राइट आंसर होगा ये। जनगण मन को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911, 28 फरवरी 1919, 14 अगस्त 1947 या फिर 24 जनवरी 1950? तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले राष्ट्रगान को जो है अपनाया गया था। कथक नृत्य का संरक्षण किसे माना जाता है? मानसिंह तोमर, सुल्तान हुसैन शर्की, वाजिद अली शाह? तो इसका राइट आंसर है वाजिद अली शाह। तालों में मात्राओं की संख्या के बढ़ते क्रम अनुसार हमें लगाना है, तो इसका राइट आंसर है रूपक ताल जो है आपकी 7 मात्रा की है, झप ताल 10, एक ताल 12, तीन ताल 16। तो आपका राइट क्रम यही बनेगा। कौन सा नृत्य श्रृंगार प्रधान, लावण्यमयी और सुकोमल स्तर पर भावनाओं को व्यक्त करता है? तांडव, लास्य, पंचपाणी, नाराशंसी? तो इसका राइट आंसर है लास्य। नेक्स्ट देखते हैं। वंदे मातरम गीत की पारंपरिक धुन किस राग पर आधारित है? देश, देसी, देशकर या फिर देव गंधार? तो इसका राइट आंसर है देश। किस नृत्य में भरतनाट्यम तथा ओडिसी नृत्य शैलियों का मिश्रण है? मणिपुरी, कथक, कथकली या फिर कुचिपुड़ी? तो इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। प्लुस्कस वाली पत्ते में इसका चिन्ह जो है क्या दर्शाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है 1/4 मात्रा, 1/4। नेक्स्ट देखते हैं। दिलरुबा वाद्य में किन दो वाद्यों की विशेषताएं जो है समाहित है? वायलिन, सितार, सरोद, मैंडोलिन, सितार सरंगी, तबला पखावज? तो सितार सरंगी इसका राइट आंसर है। दिए गए अलंकार का अगला क्रम ज्ञात करना है, तो सारे सा गारे गा, सारे गारे, सारे गा सा गारे? तो इसका राइट ये बनेगा रेगा रेमा गामा, रेगा मागा, रेगा मारे मागा। नेक्स्ट है कि वायलिन तथा दिलरुबा दोनों वाद्यों का वादन जवा द्वारा किया जाता है, तो ये बात गलत है क्योंकि
एक को स्टिक से बजाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, वायलिन तथा दिलरुबा में 6 मुख्य तार होते हैं, भी गलत है, दोनों में तारे की संख्या ये नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, ए और आर दोनों असत्य हैं। कौन सा समुदाय हरियाणा के लोक संगीत से संबंधित नहीं है, जोगी, थाट, सांगी या फिर वर्ली? तो इसका राइट आंसर है वर्ली। कौन सा वाद्य गस्से बजाया जाता है, सितार, सरोद, मैंडोलिन या फिर इसराज? तो इसराज इसका राइट आंसर है। किस राग युगम के वाद्य स्वर समान है, खमाज, काफी, काफी यमन, भोपाली, भैरव और देश या फिर वृंदावनी सरंग? तो देश वृंदावनी संग्रह राइट आंसर है। देश का वादी भी रे है और वृंदावनी संग्रह का वादी भी रे है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, डै स्वर समूह, और तो इसका देखते हैं श्रुति, स्वर, मेल या फिर राग। तो इसका राइट आंसर मेल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल दी हूँ मैं उसकी रचना से हमें पहचानना है कि कायदा है, तिहाई है, मोरा है या फिर रेला। तो तिटकत गदिगन धा, तिटकत गदिगन धा, तिटकत गदिगन धा, तो ये आपकी तिहाई है। सारिका से क्या तात्पर्य है, भरत द्वारा वर्णित सारणा चतुष्टय, चरम वाद्यों में लगने वाले, स्याही, तत्वाद्यों में लगने वाले पर्दे, वैदिक काल वीणा का एक प्रकार, तो तत्वाद्यों में लगने वाले पर्दे हैं ये। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है, रविशंकर, उदय शंकर, लक्ष्मी शंकर या फिर अनुष्का शंकर? तो उदय शंकर इसका राइट आंसर है। भातखंडे ने प्रथम संगीत सम्मेलन का आयोजन कब कहाँ किया था, तो 1916 बड़ौदा, 1901 लाहौर, 1924 लखनऊ, 1879 पूना। तो 1916 बड़ौदा इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तिरुवादिरा, कुचिपुड़ी, देवदासी, अटम, भरतनाट्यम, लाई हारोबा, मणिपुरी, महारी, ओडिसी? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग है, तिरुवादिरा, कुचिपुड़ी। प्लस्कोस स्वरलिपि पद्धति के अनुसार 1/2 मात्रा का चिन्ह क्या है, क्रॉस, जीरो, स्टार या फिर? तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट है, जीरो। नेक्स्ट है, आपको सुमेलित करना है लोक संगीत किस राज्य के कौन से हैं। तो भटियाली जो है आपका बंगाल का है, झूमर हरियाणा का है, कजरी उत्तर प्रदेश का, और मांड राजस्थान का। फोर्थ ऑप्शन राइट है ये आपका। नाद के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, जलवायु, आकाश वायु, जल, पृथ्वी वायु या फिर अग्नि? तो इसका राइट आंसर है वायु और अग्नि। भातखंडे द्वारा लिखित ग्रंथ बताने हैं, अभिनव गीतांजलि ये नहीं है, अभिनव रागमंजरी भातखंडे ने लिखा है, संगीत चिंतामणि भी नहीं लिखा, और श्रीमलक्षा संगीतम भी जो है भातखंडे ने लिखा है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट बनेगा। नेक्स्ट है, पुलस्कर स्वरलिपि पद्धति के अनुसार हमें झपताल का सही लेखन बताना है, तो धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना। तो पहली मात्रा पे इसमें क्या होता है, क्रॉस की जगह हम वन दिखाते हैं, और जो आपकी तालियों की संख्या है, जो आपकी मात्राओं की संख्या होती है, वही बताई जाती है इसमें, और खाली की जगह सम दिखाया जाता है। तो थर्ड आंसर आपका राइट है इसमें। प्लस को स्वरलिपि पद्धति के अनुसार मंदर सप्तक स्वर हेतु चिन्ह क्या है, तो इसमें स्वरों के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, स्वरों के ऊपर बिंदी लगती है, तो सेकंड ऑप्शन ही राइट है। देवदासी अटम नृत्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, कथक, कथकली, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। नाट्य शास्त्र के अनुसार आंगिक अभिनय का माध्यम क्या है, अंग, प्रत्यंग, उपांग? तो इसका राइट आंसर है अंग, प्रत्यंग, उपांग फर्स्ट ही है। रेधो तु कोमलो यत्र गणे तीव्रो च तीव्रम, किस थाट को दर्शाता है, भैरव, भैरवी, पूर्वी या फिर तोड़ी? तो इसका राइट आंसर है पूर्वी। नीचे आपको एक स्वरलिपि दी हुई है, पहचाननी है राष्ट्रीय गान में कौन सी लाइन इसके ऊपर बज रही है, सासा रे रे गा गा रे गा मा, तो जय 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 हे, फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें राइट रहता है। 133, शारंगदेव ने कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है, तो 8, 30, 96 या 264, 30 इसका राइट आंसर है। शारंगदेव ने कितने शुद्ध तथा विकृत स्वरों का उल्लेख किया, 7 शुद्ध 5 विकृत, 7 शुद्ध 12 विकृत, 7 शुद्ध 15 विकृत, 7 शुद्ध 22 विकृत? तो 7 शुद्ध 12 विकृत इसका राइट आंसर है। अरो सारे मापा निसा किन रागों को दर्शाता है, दुर्गा, देश, वृंदावनी सरंग, बिलावल? तो इसका राइट आंसर है देश और आपका वृंदावनी सरंग राग जो है, इन दोनों रागों का अरो है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक कला मर्मज्ञा कौन नहीं है, इनमें दादा लक्ष्मीचंद, बाजे भगत, मेहर सिंह धैया, देवीलाल सामर? तो इसका राइट आंसर है देवीलाल सामर। आगे दिया हुआ राग भैरव संधि प्रकाश राग तथा आशय राग दोनों श्रेणियों में मान्य है, बिल्कुल ठीक है।
राग यमन संकीर्ण राग है नहीं, और परमेय परमेश्वर राग भी नहीं है, तो सिर्फ ए ही आपका सत्य है। डैश एक महान ऐतिहासिक परंपरा का वाहिक गीत, वंदे मातरम स्पष्ट एवं निर्वाध रूप से भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रगीत है। ये गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ अंतरंग रूप से जुड़ा है। भारतीय संसद में 1948 में उक्त वक्तव्य किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या फिर एस राधा कृष्णन? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। डैश से राग कथयते बुध है, ग्रंथों में उद्गृत परिभाषा के अनुसार राग के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? स्वर, वर्ण, रंजकता और थाट, जाति, ताली, स्थाई, अंतरा, संचारी, अभो, गायन स्वर, वर्जित स्वर, कोमल स्वर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है। तबले के बोलों का एक छोटा सा समूह जिसे ताल के परम में बजाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो मोरा कहलाता है ये आपका। बृहदेशी में कितने अलंकारों का उल्लेख है? 19, 33, 63, 68। तो 33 इसका राइट आंसर है। विष्णु दिगंबर के पुलस्कर के शिष्यक कौन नहीं है? तो ओमकारनाथ ठाकुर, नारायण मुरेश्वर खरे, कृष्णराव शंकर पंडित, नारायण राव व्यास। तो कृष्णराव शंकर पंडित राइट आंसर है। एक थाट से ओड़ो संपूर्ण जाति की अधिकतम कितनी रागे उत्पन्न हो सकती हैं? 15, 36, 90, 225। तो 15 राइट आंसर है। नाट्य शास्त्र के चतुर्थ अध्याय में नृत्य हेतु वर्णित करण की संख्या 108 है। क्रमशः मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक तथा कथकली नृत्यों में प्रयुक्त अवनत वाद्यों का सही क्रम कौन सा है? चेंडा, मृदंगम, पुंग, तबला, पुंग, चेंडा, तबला, मृदंगम, तबला, चेंडा, मृदंगम, पुंग, पुंग, मृदंग, तबला या चेंडा। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है इसमें। निम्नलिखित में से किस राग का वादी स्वर समय सिद्धांत के अनुसार अपवाद स्वरूप मान्य है? कमाज, हमीर, बिलावल या फिर भोपाली? तो इसका राइट आंसर है हमीर। विषम का चयन करना है, सम, खाली, गत, विभाग, तो गत इसका राइट आंसर है। राग विज्ञान पुस्तक के लेखक विष्णु दिगंबर पुलस्कर, वी आर पटवर्धन, वी एन भातखंडे, रविशंकर। तो वी आर पटवर्धन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन रागों के रचयिता अमीर खुसरो थे? दरबारी कारना, मियाँ की सरंग, भावपत भैरव, सहेली तोड़ी, प्रियदर्शनी, चंद्र नंदन, सासगिरी या फिर सरप्रदा? फोर्थ ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित किस राग का गायन समय दिन का प्रथम पहर है? काफी, बिलावल, खमाज या फिर हमीर? तो इसका राइट आंसर है बिलावल। तो आपके ये थे टोटल 60 क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।